सहारा कंपनी जिसकी शुरुआत सिर्फ 2000 रुपए से हुई और देखते ही देखते ये देश के 11 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाली कंपनी बन गई। इस कंपनी ने देश के करोड़ों लोगों को सहारा दिया, लेकिन एक दिन इसके मालिक सुब्रत रॉय बेसहारा होकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। पर आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर क्या था सहारा स्कैम जिसने देश के लगभग 13 करोड़ लोग यानी कि इंडिया की 11% पॉपुलेशन के साथ धोखा किया था? क्या सहारा स्कैम में फंसा लोगों का पैसा उन्हें कभी वापस मिल पाएगा? चलिए जानते हैं आज इन सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। सहारा कंपनी की शुरुआत 1978 में शुरू हुई। सहारा कंपनी के फाउंडर सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। कोलकाता में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद इन्होंने गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। कहा जाता है कि जमाने में सुब्रत रॉय गोरखपुर में बिस्किट और नमकीन बेचा करते थे, वो भी लम्बरेटा स्कूटर पर। और आज भी ये स्कूटर कंपनी के हेडक्वार्टर में रखा हुआ है। स्कूटर पर सामान बेचते हुए उनकी पहचान गरीब लोगों और छोटे मोटे दुकानदारों से हो गई थी। तब उन्होंने देखा कि वो लोग जो भी कमाते थे वो तुरंत ही खर्च हो जाता था और वो लोग कुछ भी बचत नहीं कर पाते थे। फिर ऐसे लोगों को सहारा देने के लिए सुब्रत रॉय ने साल 1978 में सहारा कंपनी की शुरुआत की। फिर इस कंपनी ने लोगों से कहा कि वो रोज का 1 रुपया कंपनी में इन्वेस्ट कर दें और बाद में कंपनी उन्हें अच्छे ब्याज के साथ पूरा पैसा लौटा देगी। लोगों को सहारा कंपनी की स्कीम बहुत पसंद आई थी। उसके बाद दिन में 100 रुपए कमाने वाले लोग उनके पास 20 रुपए जमा कराने लगे थे। इस तरह सहारा ने एजेंट्स के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया था। देखते ही देखते सहारा कंपनी ने बहुत से लोगों का विश्वास जीत लिया था। इस कंपनी से एक के बाद एक कई लोग जुड़ते चले गए और हर कोई सहारा में अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगा और स्पीड से लगभग 13 करोड़ लोग इस कंपनी से जुड़ गए थे। सहारा फाइनेंस में आने के बाद सुब्रत रॉय धीरे धीरे बाकी के बिजनेस में भी आ गए थे। उन्होंने नॉन बैंकिंग कारोबार के साथ साथ मीडिया, एयरलाइंस और भी कई क्षेत्रों में हाथ आजमाया। आपको बता दें कि सहारा एयरलाइंस की शुरुआत 1991 में की गई थी। इसके साथ ही साल 2007 में सहारा की एयरलाइन को जेट एयरवेज ने खरीद लिया था। वहीं सहारा ग्रुप ने साल 2003 में अपना न्यूज चैनल सहारा समय भी शुरू किया था, जिसके बाद सहारा ने कई रीजनल और लोकल चैनल लॉन्च किए। सहारा ग्रुप साल 2001 से लेकर 2013 तक इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर करता रहा था। यहाँ तक कि आईपीएल में पुणे वॉरियर्स टीम के मालिक भी सुब्रत रॉय सहारा थे। एक वक्त में सहारा देश की बड़ी प्राइवेट कंपनीज में से एक हुआ करती थी, जिसमें 11 लाख से ज्यादा कर्मचारी थे। सहारा के बारे में कहा जाता है कि कंपनी इंडियन रेलवे के बाद लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार देती थी। इसके साथ ही सहारा ने इंडिया के अलावा न्यूयॉर्क, लंदन में भी अपने पैर पसारे। सहारा कंपनी ने न्यूयॉर्क में 4400 करोड़ रुपए खर्च करके न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क होटल खरीदे, जो कि आज भी न्यूयॉर्क के सबसे अच्छे और फेमस होटल्स में से एक है। इसके अलावा सुब्रत रॉय ने मुंबई के वर्सोवा में 106 एकड़, लखनऊ में 191 एकड़ जमीन और देश के 10 अलग अलग शहरों में 764 एकड़ जमीन खरीद ली थी। इसके अलावा सहारा कंपनी ने मुंबई से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर अम्बे वैली नाम की एक टाउन सिटी भी डेवलप की, जहां पर हर तरह की फैसिलिटी मौजूद थी। एक बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ सुब्रत रॉय की इमेज एक सोशल वर्कर के रूप में भी थी। इन्होंने 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ के दौरान लोगों की काफी मदद की थी। उस समय सहारा ने 1 लाख बोतल पानी, जूस और खाने का सामान लोगों तक पहुंचाया था। इसके साथ ही साथ कारगिल युद्ध में सहारा ने शहीदों के 127 परिवारों की भी आर्थिक रूप से मदद की थी। ये वो वक्त था जब सुब्रत रॉय की पहचान पैसे से पैसा कमाने के लिए पैसा लुटाने और हर मुमकिन मौके पर पैसा दिखाने वाले शख्स के रूप में होती थी। साथ ही साथ समाज के बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति के रूप में सुब्रत रॉय को जाना जाता था। वो ऐसा वक्त था जब उनकी लेविश पार्टीज में अमिताभ से लेकर शाहरुख और बड़े बड़े नेता तक शामिल होते थे। उनके दोनों बेटों की शादी में प्रधानमंत्री से लेकर खेल जगत और बिजनेस के ग्लैमर के सितारे भी मौजूद थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि कंपनी पर एक के बाद एक मुसीबत आ पड़ी। सुब्रत रॉय की कंपनी पर पहली मुसीबत आई साल 1996 में, जब इस कंपनी पर एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर पड़ी और उसने कंपनी में आने वाले हर पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। उस वक्त सुब्रत रॉय ने कुछ फेमस नेताओं का नाम लिया और कहा कि उनके जरिए कंपनी के पास पैसा आ रहा है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने आया था। इसलिए थोड़े समय बाद उस इनकम टैक्स ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया और इस तरह से खतरा टल गया। लेकिन बाद में एक बार फिर कंपनी पर मुसीबत आ गई थी। दरअसल मार्केट में जितने भी लोग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे वो लोग इन्वेस्ट कर चुके थे। अब कोई और कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहता था। ऐसे में कंपनी के लिए मार्केट सिकुड़ गया था। वहीं इसकी एक बड़ी वजह ये भी रही कि साल 1980 में सरकार ने इस स्कीम पर रोक लगा दी थी, लेकिन तब तक काफी लोग इस कंपनी में पैसा जमा करा चुके थे जिनका पैसा कंपनी को अब लौटाना था। ऐसे में सुब्रत रॉय ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकाला और बस यहीं से कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। दरअसल 30 सितंबर 2009 को सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइवेट सिटी ने अपने आईपीओ के
लिए सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल किया था। आपको बता दें कि डीआरएचपी एक तरह की कंपनी का बायोडाटा होता है जो कि आईपीओ के दौरान सेबी को जमा कराया जाता है। इस दौरान डीआरएचपी के इस प्रोसेस के दौरान सेबी को सहारा के रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों के फंड जुटाने में कुछ कमी मिली। आपको बता दें कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को शिकायतें मिली कि दोनों कंपनी ओएफसीडी से पैसे जुटा रही थी। सेबी ने जब इन शिकायतों की जांच की तो सेबी को पता चला कि सहारा ने ओएफसीडी के जरिए 2 से 2.5 करोड़ लोगों से करीब 24,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। आपको बता दें कि ओएफसीडी यानी कि ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर डेट सिक्योरिटीज होती हैं, जो एक इश्यूअर को कैपिटल जुटाने की अनुमति देती है। बदले में इश्यूअर मैच्योरिटी तक इन्वेस्टर को ब्याज का भुगतान करता है, लेकिन इसके लिए इश्यूअर को सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। जबकि सहारा ने सेबी से परमिशन नहीं ली थी, तब सेबी ने सवाल किया कि सहारा ने बॉन्ड जारी करने के लिए उसे परमिशन क्यों नहीं ली थी। इस जांच के बाद सेबी ने सहारा ग्रुप को उनके सभी इन्वेस्टर्स को 15% इंटरेस्ट के साथ लोगों का पैसा वापस करने की भी बात कही थी। सेबी के इस फैसले की शिकायत करते हुए सहारा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी सहारा को निराशा याद लगी। और फिर हाईकोर्ट के बाद सहारा सुप्रीम कोर्ट के पास गया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से जवाब मांगा तो सहारा ग्रुप कोई जवाब नहीं दे पाया। तब सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टर्स की सभी डिटेल्स सेबी के पास जमा करने के लिए कहा ताकि इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को मानते हुए 2013 में सहारा ने सेबी ऑफिस में 127 ट्रकों में उन लोगों की डिटेल्स भेजी जिनसे सहारा ने ओएफसीडी के जरिए पैसे इकट्ठा किए थे। कहा जाता है कि उस समय इससे मुंबई के बाहरी इलाके में भारी ट्रैफिक जाम हो गया था जहां सेबी का हेडक्वार्टर था। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के साथ मिलकर सहारा की दोनों कंपनियों को 3 महीने के अंदर अंदर 15% इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करने को कहा, लेकिन सहारा 3 महीने के भीतर सेबी के पास 15% ब्याज के साथ पैसा नहीं जमा करा पाया। तब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 3 किस्तों में पेमेंट करने का आदेश दिया था। सहारा ने 5,120 करोड़ रुपए की पहली किस्त का पेमेंट तो किया, पर बाकी पेमेंट नहीं कर पाया। लेकिन पूछने पर सहारा दावा किया कि वो पहले ही 90% से ज्यादा निवेशकों को पेमेंट कर चुका है। इसे साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया सबूत मांगे। एक तरफ जहां सहारा ने आधे से ज्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करने की बात कही थी, वहीं सेबी के पास भी 2 से 2.5 करोड़ लोगों में से केवल 4600 इन्वेस्टर्स का ही पैसा वापस करने के दावे सामने आए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के बैंक खातों को फ्रीज करना शुरू कर दिया और अप्रैल 2013 में सेबी ने सहारा प्राइम सिटी के आईपीओ की फाइल बंद कर दी थी। 28 फरवरी 2014 को सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद सुब्रत रॉय 2 साल और ज्यादा समय तक तिहाड़ जेल में रहे। इसके बाद उनकी मां की मृत्यु हो जाने पर वो साल 2016 में पैरोल पर बाहर आए और तब से वो पैरोल पर जेल से बाहर हैं। आपको बता दें कि सहारा इंडिया की पहली किश्त में जमा किए गए पैसों में से सेबी अब तक इन्वेस्टर्स को सिर्फ 130 करोड़ रुपए लौटा पाया है और बाकी के पैसे कई सालों से उसी के पास जमा है। दरअसल सेबी के पास जो इन्वेस्टर्स की डिटेल है, सेबी उन इन्वेस्टर्स को ट्रेस ही नहीं कर पा रही है और इसीलिए सेबी इन्वेस्टर्स को उनके पैसे भी नहीं लौटा पा रही है और ना ही सहारा इन्वेस्टर्स की सही डिटेल सेबी को दे पा रहा है। वहीं सेबी के पास अब तक रिफंड के लिए भी 19,644 आवेदन मिले, जिनमें से 17,526 बॉन्ड होल्डर्स को ही रिफंड दिया गया है, बाकी के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। इसके साथ ही सहारा का कहना है कि सहारा 22,000 करोड़ रुपए सेबी को दे चुकी है, जबकि सेबी का कहना है कि ये गलत है और इस तरह से सारा मामला आज तक बीच में लटका पड़ा है। अब देखना ये है कि सरकार सहारा के इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे लौटाती है। क्या आपने कभी भी सहारा में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।